हेलो दोस्तों, ये व्हाट्सएप। तो दोस्तों, मैं आज एक चार्ट रेडी किया है और उस चार्ट पे मैं आपको HTML के ज़रिए बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे बनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो फिलहाल तो मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है दोस्तों, और मैं पिछली जो भी वीडियो शूट किया हूँ वो मैं सेंटर पर जाके शूट किया हूँ दोस्तों। सो दोस्तों, मैं मेरे पास यहाँ पर एक खाता दे सकते हो आप। ओके दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, आप लोग चाहो तो आपके जो खाता या फिर नोट मतलब उस पर नोट करके रख सकते हो। ओके दोस्तों, या फिर आप लोग कंप्यूटर पर जाके प्रैक्टिकल कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका अपने जो खाता है उस पर ले जाता हूँ। मैंने नोट किया आपके लिए, बनाया बनाया मैंने, और यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा HTML के ज़रिए। ये जो मैंने चार्ट रेडी किया है उसका करके दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, वही पेज बना के दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। मैं अपने जो फ्लैश लाइट है उस पर ओपन ऑन करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने वेब पेज लिखा है, मतलब इसको वेब पेज में कन्वर्ट करेंगे मतलब HTML के ज़रिए। ओके दोस्तों, तो टाइटल हम लोग देंगे वेब पेज, हेडिंग देंगे टेबल, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टेबल, ये वाला टेबल हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पर टेबल कलर होगा ब्लू, मतलब टेबल का बॉर्डर कलर, ये जो बॉर्डर कलर वो है ब्लू होगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे कि आपके प्रिय कवि का नाम, मतलब कि आपके जिस भी आप लोग मतलब कवि को एक पसंदीदा कवि का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर लिख दूंगा। ओके दोस्तों, और इसको बोल्ड करना होगा मतलब कि मोटा करके लिखना होगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पर सातवें नंबर पर है थ्री फ्रेंड का नाम, और उसको बोल्ड और इटैलिक करके लिखना होगा, और कलर होगा रेड। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको बना के देखते हैं, और इस चार्ट को आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग रेडी करेंगे HTML वेब पेज। ओके, ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग चाहो तो आपके जो नाम नोट कर सकते हो। ओके दोस्तों, दोस्तों हमारा जो यहाँ पर बेसिक टैग होगा, जो मैंने पहले मतलब कि HTML के फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट स्टेप है उसको पहले हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो अपना जो बेसिक टैग था उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ओके दोस्तों, अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर हमारा जो ये जो यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे। ओके दोस्तों, HTML के ज़रिए मतलब वेब पेज। ओके दोस्तों, तो चलिए फर्स्ट हमारा क्या गया है कि वेब पेज टाइटल होगा वेब पेज। तो हमारा जो टाइटल शुरू और टाइटल ख़त्म है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वेब पेज। और दोस्तों, ये टाइटल शुरू और टाइटल ख़त्म होने के बीच में रहेगा वेब पेज। ओके दोस्तों, तो पहला हमारा जो क्राइटेरिया था उसको हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या है, दो नंबर हेडिंग टेबल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर होगा हेडिंग। हेडिंग देने के लिए क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है H1 देखे और H1 शुरू और H1 ख़त्म होगा, इसके बीच में आपको लिखना है LI। यहाँ पर हमने LI लिख लिया, और LI के अंदर होगा हमारा हेडिंग टेबल। ओके दोस्तों, H1 शुरू मतलब कि हेडिंग टैग शुरू, हेडिंग टैग ख़त्म, इसके पहले मतलब कि इसके अंदर होगा LI और LI ख़त्म। और दोस्तों, जो टैग शुरू होगा वो टैग ख़त्म होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टेबल। ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हो LI टैग का शुरू और LI टैग ख़त्म, H1 टैग ख़त्म। हमारा जो यहाँ पर हेडिंग टैग था टेबल, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ओके दोस्तों, अब हमारा तीसरा क्राइटेरिया है टेबल, मतलब कि हम लोग इस टेबल को बनाएंगे और टेबल बॉर्डर कलर होगा ब्लू। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टेबल बॉर्डर। यहाँ पर दोस्तों टेबल बॉर्डर हम लोग यहाँ पर 1 देंगे, क्योंकि 3-4 करेंगे तो ये जो बॉर्डर है ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर टेबल बॉर्डर 1 रखते हैं, और यहाँ पर कमा देंगे, यहाँ पर क्या गया है कि टेबल बॉर्डर कलर। ओके दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कलर कलर दे देंगे।
सो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर कलर, इज इक्वल टू यहाँ पर है ब्लू। ओके दोस्तों, तो चलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा देके ब्लू। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा, और ख़त्म होने के बाद टैग को ख़त्म करना होगा दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करके टैग ख़त्म करना होगा दोस्तों। या आप हम लोग का दूसरा काम है ये जो टेबल बनाना है। ओके दोस्तों, तो चल ये जो टेबल बनाना है, तो चलिए टेबल को बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों, हम लोग आप कॉलम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम। ओके दोस्तों, अब हम लोग लिख लेंगे कॉलम, कॉलम इज इक्वल टू 7 दोस्तों। टैग ख़त्म करेंगे, अब होगा रो, रो कितना है 1 2 3, 3 रो है। रो इज इक्वल टू 3 और दोस्तों रो 3 हो गए। अब हमारा टेबल टैग शुरू करेंगे दोस्तों, तो टेबल टैग होगा TR। ओके दोस्तों, TR देंगे, TR शुरू करेंगे, उसके बाद देंगे TD, टेबल डाटा। ओके दोस्तों, तो TD शुरू होगा। ओके दोस्तों, सो हमारा जो पहला है यस। ओके दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देंगे यस यस। अब TD को ख़त्म करेंगे, TD ख़त्म हो गया। अब देंगे TD शुरू नो, दोस्तों TD को ख़त्म करेंगे, हमारा दूसरा हो गया। अब TR ख़त्म हो गया दोस्तों, TR ख़त्म होगा, TR शुरू करेंगे दोस्तों। दूसरा TR शुरू करेंगे, अब हमारा जो यहाँ पर है ये होगा कुछ, दो दो करके होगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर TD शुरू कर लेंगे। यहाँ पर फिलहाल तो कुछ नहीं ही लिखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, TD को ख़त्म कर लेंगे। ओके दोस्तों, दो नंबर पे ये करेंगे, कुछ नहीं लिखा है, TD शुरू TD ख़त्म, दूसरा हो गया TR, जो था TR ख़त्म हो गया। यहाँ पर और एक रो रहा था, तो तीसरा भी TD शुरू होता, TD ख़त्म होगा, पर फिलहाल हमारा दो है इसीलिए दो ही होगा दोस्तों। तो अब TR ख़त्म कर लेंगे, TR। सो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, मैंने यहाँ पर आपको गलती से मतलब कि 7 कह दिया था, ये 6 होगा। ओके दोस्तों, इसको 6 कर लो आप दोस्तों, कॉलम 6 कर लो। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर TR ख़त्म कर लिए, TR शुरू कर लिया, और हम लोग यहाँ पर दूसरा TD शुरू करेंगे दोस्तों। TD शुरू होगा, TD फिलहाल तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग शुरू और ख़त्म करेंगे दोस्तों। TD शुरू, TD ख़त्म। अब ये हो गया, ये भी हो गया। अब दोस्तों और दो बाकी है दोस्तों, तो चलिए TR ख़त्म कर लेते हैं। TR ख़त्म, TR शुरू कर लिए, TD शुरू कर दिया हम लोग। अब हमारा ये वाला और ये वाला होगा दोस्तों, सो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए TD को ख़त्म कर लेंगे। TD शुरू, TD ख़त्म हो गया, TR को भी ख़त्म कर लेंगे। ओके दोस्तों, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब ये दो बाकी है। ओके दोस्तों, चलिए TD शुरू कर लेते हैं, TD को ख़त्म कर लेंगे, लिया, और इसको भी शुरू कर लिया, और इसको भी ख़त्म कर लिया। अब TR, और सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर TR शुरू नहीं किया था। ओके दोस्तों, TR शुरू कर लिया, TD एक साथ भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग TR को ख़त्म कर लेंगे, और हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर TR ख़त्म होता है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने बॉडी और HTML ख़त्म कर लिया था, पर हम लोगों को और भी लिखना है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर
तो मैं इसको काट के यहाँ पर इस साइड में लिख लेता हूँ दोस्तों, हीट खत्म और HTML भी ख़त्म करते हैं दोस्तों। यहाँ पर शुरू करते हैं, MTR ख़त्म कर लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब होगा PTEC, होगा PTEC शुरू और PTEC के अंदर होगा आपके प्रिय कवि का नाम। ओके दोस्तों तो चलिए लिख लेते हैं PTEC शुरू करते हैं, मतलब कि पैराग्राफ, पी फॉर पैराग्राफ, P=2 पैराग्राफ दोस्तों। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने ये आपको समझाने के लिए ये लिखा है। ओके दोस्तों मेन टैग यह है। ओके दोस्तों PTEC शुरू कर लिया हम, PTEC के अंदर होगा आपकी प्रिय कवि का नाम। ओके दोस्तों तो चलिए PTEC के अंदर लिख लेते हैं प्रिय कवि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके दोस्तों अब इसको क्या करना है, बोल्ड करना है। ओके दोस्तों चलिए बोल्ड कर लेते हैं और PTEC को ख़त्म, बोल्ड को ख़त्म करेंगे। ओके और PTEC को भी ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बोल्ड को भी ख़त्म कर लिया और PTEC के अंदर भी लिख लिया। ओके दोस्तों अब लिखना है 7 नंबर पे है 3 friend name, मतलब कि आपके जो फेवरेट 3 friend है इसको उनके नाम लिखिए और बोल्ड और इटैलिक करना होगा और उसको रेड कलर करना होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों मेरा थोड़ा यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर और एक लाइन होगा। ओके दोस्तों तो वो लाइन मैंने ख़त्म नहीं किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लिखना है टेबल कॉलम और रो को ख़त्म कर लेना। ओके दोस्तों तो चलिए ख़त्म कर लेते हैं टेबल = 1 प्योर बॉर्डर कलर = ब्लू। ओके इस टाइप को ख़त्म कर लो। कॉलम कॉलम = 6 होगा रू, रू टैग को ख़त्म करेंगे 3। देखो दोस्तों हमने ये जो टैग था ख़त्म कर लिया। अब हम लोग इस बार क्राइटेरिया पे जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ओके दोस्तों तो इसको बोल्ड करना है जो मैंने यहाँ पर करा था, बोल्ड करना है और पहले पैराग्राफ टैग को खत शुरू कर लेना है, उसके बाद इसको बोल्ड करना है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर अब बोल्ड को ख़त्म करेंगे। ओके दोस्तों PTEC के अंदर था इसीलिए PTEC को भी ख़त्म कर लेंगे। ओके दोस्तों अब हम लोग के क्या करना है 3 friend का नाम और बोल्ड इटैलिक और फ्रंट कलर। ओके दोस्तों चलिए फ्रंट में अब लिख लेते हैं फ्रंट कलर, कलर = यहाँ पर है रेड। ओके दोस्तों फ्रंट कलर रेड आप यहाँ पर देंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर टैग को शुरू कर लिया है, अब आपके पसंदीदा 3 friend का नाम आपको दे लिखना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राजा। ओके दोस्तों भीम। ओके और कुमार। ओके दोस्तों अब इसको क्या करना है, बोल्ड करना है। ओके दोस्तों सो बोल्ड को टैग को शुरू करेंगे, बोल्ड बोल्ड शुरू, बोल्ड ख़त्म और इटैलिक करना है। ओके दोस्तों चलिए आई टैग देंगे इटैलिक और आई टैग को ख़त्म करेंगे और इनमें भी वही करना है बोल्ड टैग शुरू, बोल्ड टैग ख़त्म, इटैलिक ख़त्म करेंगे, बोल्ड। हमने यहाँ पर जो फ़ॉन्ट कलर शुरू किया था फ़ॉन्ट कलर को सेस ख़त्म करेंगे। ओके दोस्तों ओ एंटी फ्रंट = ख़त्म का टैग मैंने दे दिया स्लैश दे दी रेट। ओके दोस्तों ये इस टैग को हमने ख़त्म कर लिया है, अब हमारे पास और कुछ नहीं है। ओके दोस्तों तो हमारा जो यहाँ पर मेन टैग था HTML और हेट और HTML इसको हम लोग यहाँ आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख लेते हैं हेट
स्टीमर को जिसको हमारा जो पूरा जो हमारा जो मेन क्राइटेरिया था वेब पेज का हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। ओके दोस्तों, आप लोग ठीक से देख पा रहे हो, ये था। मैं आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूँ, गलती कर गया हो तो फिर से नोट कर लो। ओके दोस्तों, इसको मत तुलना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ओके दोस्तों, ये हमारा मेन टाइप कोड। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये तो ऐसे खत्म होगा, रजिस्टेबल खत्म होगा दोस्तों। सो दोस्तों, मैंने पूरी तरह कोशिश की आपको समझाने की, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, तो देख रहे हो पसीने से थोड़ा भीग चुका हूँ दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप लोग हो सकता है समझ गए होंगे। और हाँ, कहीं पर भी आप लोग समझ में नहीं पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, सो कुछ भी जानना हो तो कमेंट करो। ओके दोस्तों, कमेंट करो, नीचे जो कमेंट वाला ऑप्शन है उसे कमेंट करो, और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कोड मतलब कि HTML के बारे में, किसी भी बारे में आपको जानना हो तो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।